बसमिल्लाम दिस इज डॉक्टर फर्जात फ्राम केरियर कोचिंग सेंटर कैसे हैं आप सब लोग सेकेंड ईयर ए वन एंड सेकेंड ईयर बी वन ठीक है बच्चों आज हम लोग जो है लाइव लेक्चर कंडक्ट नहीं कर पाए थे ड्यू टू रेन फोरकास्ट तो आज हम रिकॉर्डेड लेक्चर के ऊपर प्रोसीड करेंगे और लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा कल हुआ था थर्सडे को हुआ था उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स अगर मैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स के हवाले से बात करता हूँ कि मैमल्स में किस तरह से थर्मोरेगुलेशन होती है वो हम देख लेते हैं अब देखें मैमल्स जो हैं वो वार्म ब्लडिड हैं ठीक है और अगर आप उसके लिए जो लेटेस्ट टर्म है वो क्या है वो एंडोथर्म्स हैं तो मैमल्स आर एंडोथर्म्स तो ये बात मैं आपको थर्सडे को बता चुका हूँ कि जो एंडोथर्म्स होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं दिस वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैज़ बोथ मेकेजम ऑफ थर्मोरेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन दो थे जो तो बोथ कौन से दो थे वो वो फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म थे तो यही पॉइंट हमने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इन मैमल्स थर्मोरेगुलेशन अदर बाय बोथ मैकेनिज्म दैट इज फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म अब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या होता है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में बॉडी के इंटरनल फंक्शन के अंदर क्या आती हैं तब्दीलियां आती हैं क्यों आती हैं ताकि अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें ठीक है ये सारी वो बातें हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी मैं सिर्फ वो सिर्फ उसको रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए बिहेवियल मैकेनिज्म में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर चेंज करेगा ताकि टेम्परेचर को मेनटेन कर सके चाहे तो हम स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल मकैनिज्म से अब कह रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म दो होते हैं एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और दूसरी क्या है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस अब बेटा हम लोग ने शिवरिंग और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पे डिटेल में बात की थी शिवरिंग का बस मैं इतना बता दे जाता हूँ कि अगर मसल एक्टिविटी बढ़ जाए मसल आपके कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाए और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है इस पर हम डिटेल लिखवा चुके हैं दूसरी होती है कि बॉडी के अंदर मसल एक्टिविटी के बगैर मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है या दूसरी वजूहत के बिना के ऊपर क्या हो रही है दूसरी वजूहत के बिना के ऊपर हीट जनरेट हो रही है तो उसको आप नॉन शिवरिंग थर्मोजाइनिस कहते हैं ठीक है और बिहेवियल मैकेनिज्म में क्या होगा बिहेवियल मैकेनिज्म के अंदर बिहेवरल चेंजेस आएंगे उसको अभी हम डील कर लेते हैं नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म अब बेटा देखें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया है कि भाई दो टाइप की थर्मोजेनेसिस होती है एक जो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है और दूसरी क्या है आपकी शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है अब देखें ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना ये कॉपी करना है ठीक है दो पॉइंट मैं आपको लिखवा चुका हूँ इरेक्शन ऑफ हेयर्स और वेजो कंस्ट्रक्शन वाला इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल आपने डिप्टो कॉपी करने हैं आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको कॉपी कर लो और फिर आगे वीडियो को प्रोसीड कीजिएगा ठीक है तो मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में बेटा दो मैकेनिज्म होंगे कौन कौन से दो थे एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस था और दूसरा क्या है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है अगर मैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की बात करता हूँ तो यहाँ पे दो कॉलम बने हुए हैं स्क्रीन के ऊपर एक जो है लो टेम्परेचर का है और जो दूसरा कॉलम है वो हाई टेम्परेचर का है ठीक है बेटा तो लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग लो टेम्परेचर दियर वुड बी द इरेक्शन ऑफ द हेयर्स अब इरेक्शन ऑफ हेयर हो क्यों रही है अब इस पर हमने बात ये कही थी कि भाई अगर आप देखें ना तो हमारी जो मैमल्स हैं उनकी स्किन के ऊपर क्या मौजूद होते हैं हेयर्स मौजूद होते हैं और हेयर्स के साथ क्या लगा होता है एक मसल होता है मसल मसल इरेक्टर जब टेम्परेचर बहुत लो होगा लो टेम्परेचर है सर्दी है तो कह रहे हैं कि ये जो पाइलो इरेक्टर मसल है दिस पाइलो इरेक्टर मसल विल गोस विल गोन इनटू कॉन्ट्रेक्शन ये कॉन्ट्रेक्शन में चला जाएगा और जब ये कॉन्ट्रेक्शन में चले जाएगा तो ये जो हेयर्स हैं ये हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे सीधे खड़े हो जाएंगे और हेयर के सीधे खड़े होने की वजह से इनके दरमियान में आप देख रहे हैं ये गैप आ गया अब देखें ये नेचर की लॉजिक है जहाँ कुछ नहीं होता ना वहाँ एयर आ जाती है हवा आ जाती है तो यहाँ पे बताओ ये जो हेयर्स हैं इनके दरमियान में हवा ट्रैप होगी या नहीं होगी ज़ाहरी बात है होगी वही अब जब इनके दरमियान में हवा ट्रैप होगी तो हवा जो है इंसुलेटर है हीट का अब सर्दी में टेम्परेचर हो रहा है कम तो हमें बॉडी की हीट को स्टोर करना होगा तो ये हीट स्टोर कैसे होगी कि आपके सारे स्किन के बाल खड़े हो जाएंगे उसके ऊपर एक एयर की लेयर आ जाएगी और हवा लॉस होने से बच जाएगी ये बात हम कर चुके हैं ऐसे अगर आप गर्मियों में देख लो क्या होगा अब भाई गर्मियों में यही पायलो इरेक्टर मसल क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा जब ये पायलो इरेक्टर मसल रिलैक्स होगा तो हमने देखा है कि ये हेयर जो है क्या है? डाउन कर गए और जब ये हेयर डाउन करेंगे तो कोई हवा बीच में नहीं आ सकेगी तो इससे क्या होगा बेटा हीट लॉस होगी तो यही बात बता रहे हैं पहले पॉइंट में अगर आप देखें कि ड्यूरिंग लो टेम्परेचर हेयर्स ऑफ द स्किन रेज वर्टिकली भाई लो टेम्परेचर पे स्किन के हेयर क्यों कर रहे हैं ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन इंसुलेटिंग इफेक्ट और इस इंसुलेटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा बॉडी की हीट स्टोर रहेगी ही। क्योंकि यह हमारी कल बात हो चुकी है कि लो टेम्परेचर पे हीट को क्या करना होता है स्टोर करना होता है इसका अपोजिट कर लें हाई टेम्परेचर पे अब भाई हाई टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका नॉर्मल टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस और अगर आप फेरन में ले लो तो भाई कितना था 98.6 डिग्री फेरन अब ये आपका जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है अब इससे टेम्परेचर बढ़ गया अब भाई टेम्परेचर बढ़ गया तो तुम्हें क्या करना होगा हीट को लॉस करना होगा ना हीट को लॉस करोगे टेम्परेचर कम हो नॉर्मल पे आ जाएगा तो कह रहे हैं कि उल्टा काम होगा हाई टेम्परेचर में के जो हेयर्स होंगे ना स्किन के ये लॉवर डाउन कर जाएंगे क्योंकि है भाई कह रहे हैं कि जो इरेक्टर पिलए मसल था ना ये रिलैक्स कर गया और इसकी वजह से अब ये हवा ट्रैप नहीं करेगा और इससे हीट लॉस होगी ठीक है भाई चल इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्किन के नीचे देखें ये कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं एंड 10 ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल क्या कहलाती हैं ये सबक्यूटेनियस ब्लड वेसल यानी कि स्किन के नीचे मौजूद ब्लड वेसल। अब भाई अगर हम बात करें ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो हीट को हमें क्या करना है हीट को हमें लॉस करना है तो ये जो नीचे ब्लड वेसल है, चौड़ी हो जाती है वेजो हो जाती है ताकि स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस हो और जबकि अगर हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा जो है सर्दी होती है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है आप देखें ना ड्यूरिंग लो टेम्परेचर सबकुटेनियस ब्लड वैस अंडरग्रोन कंस्ट्रिक्शन नैरो हो जाती है ताकि स्किन से दूर हो जाए और हीट को स्टोर किया जा सके अब देखें जैसे हवा जो थी ना हवा जो है हीट की इंसुलेटर है वैसे ही जो फैट है ये भी हीट का इंसुलेटर है कहते हैं ना कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ज्यादा सर्दी नहीं लगती वजह यही है कि उनकी बॉडी में फैट ज्यादा होता है अब हमारी बॉडी क्या करती है कि जब लो टेम्परेचर होता है तो स्किन का जितना भी फैट होता है वो ले जाके स्किन के नीचे लगा देती है यही वजह है ना हमारे हाथ और हमारे फेस हमारे पैर जितनी भी स्किन है ये बड़ी ड्राई हो जाती है लो टेम्परेचर में सर्दियों में क्योंकि तो सारा फैट स्किन के नीचे डिपॉजिट कर रहे होते हैं ताकि एक लेयर बन जाए ताकि यहाँ से हीट लॉस ना हो पाए और यही जब आपकी वह आती है अपना गर्मियाँ आती हैं हाई टेम्परेचर पे तो सर्दियों में जो डिपॉजिट हुआ हुआ फैट होता है ना उसको निकाल देते हैं ताकि इंसुलेटर अफेक्ट जो है ये ख़त्म हो जाए और हीट ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो अब जाहिर सी बात है भाई लो टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं अब लो टेम्परेचर जब होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नीचे जाएगा बढ़ेगा नहीं तो हमें जो है वो स्वेटिंग क्या होगी कम से कम होगी जब स्वेटिंग कम से कम होगी तो जो वाटर हमारा पसीने में जाया हो रहा था स्वेट में जाया हो रहा था वो वाटर भी बॉडी में रहेगा तो अब उसको लॉस करना है ना भाई कैसे लॉस होगा वो यूरिन के जरिए लॉस होगा यही बता रहे हैं कि ड्यूरिंग लो टेम्परेचर यूरिन अमाउंट इज प्रोड्यूस मोर एंड मोर सर्दियों में ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होता है इसी तरह अगर हम लो टेम्परेचर के बाद हाई टेम्परेचर पे आते हैं तो हाई टेम्परेचर में तो भाई हमें ऑलरेडी स्वेटिंग हो रही है पसीना ज्यादा आ रहा होता है तो कुछ पानी पसीने में भी निकल जाता है तो यूरिन की अमाउंट कम होती है ठीक है भाई तो ये चार पॉइंट हो होगा भाई ये क्लियर है ना सबको उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होंगे नहीं है तो भाई आप ग्रुप पे मुझसे पूछ लेना ठीक है भाई अब जरा जो है वो पांचों पॉइंट देखें लिखा हुआ है बेजल मेटाबॉलिज्म अब ये बात तो बड़ी आसान है कि भाई लो टेम्परेचर पे बेजल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हाई टेम्परेचर पे बेजल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है चलो ठीक है लिख दिया एग्जाम में नंबर भी आ गए अब अगला एक टीचर आ आएगी आपसे पूछ रहे बेटा तुमने ये जो बेजल मेटाबॉलिज्म लिखा है ना इसका ज़रा मतलब तो बताओ आप में से किसी को पता है भाई बेजल मेटाबॉलिज़म होता क्या है और मेरा नहीं ख्याल है कि पता होगा तो फिर मैं ही बता देता हूँ आपको कि बेजल मेटाबॉलिज्म क्या है देखें अभी आप लोग बैठे हुए हैं ठीक है अभी आप कोई फ़िजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे मेंटल एक्टिविटी ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें आप और मैं अभी बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हुए हैं तो हमारी बॉडी अभी रिलैक्सिंग मूड में जब हमारी बॉडी रिलैक्सिंग मूड में होती है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही तो उसको बावजूद कि भाई हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे उसके बावजूद हमारी बॉडी को कुछ एनर्जी चाहिए क्यों क्योंकि अभी हम रिलैक्स में बैठे हुए तो हैं लेकिन हमारी आंखें भी काम कर रही हैं तो जो विजन है इसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं इसके लिए भी क्या चाहिए एनर्जी चाहिए आपका हार्ट ब्लड पम्प कर रहा है उस हार्ट को भी एनर्जी चाहिए गर्ज ये कि हमारी बॉडी का हर पार्ट काम कर रहा है हाँ लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो जो बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या मैं बेहतर वर्ड यूज करता हूँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेजल मेटाबॉलिज्म कहते हैं अब बेजल मेटाबॉलिज्म की फटाफट डेफिनेशन लिख लो भाई द अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी डेट रिक्वायर दउंट ऑफ एनर्जी डेट रिक्वायर टू कंटिन्यू normal metabolic activity of the body to continue normal metabolic activity of the body during resting stage during resting stage is called as basal metabolism अब देखो हाई टेम्परेचर पे हम देखें ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम कोई ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे रेस्ट में तो हम तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं लॉस कर रहे हैं तो बिजल मेटाबॉलिज्म समर में क्या हो जाता है कम हो जाता है तो यही नोट किया गया है कि भाई गर्मियों में जो है हमें क्या होता है थोड़ी सुस्ती रहती है काम नहीं किया जाता सर्दियों में बात करें तो हमारा बिजल मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हुआ, हाँ हुआ हुआ होता है क्यों हाई हुआ हुआ है भाई एक तो आपका टेम्परेचर नीचे जा रहा है नॉर्मल एक्टिविटी को कंटिन्यू करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो चाहिए ही इसके अलावा जो टेम्परेचर नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए भी एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट क्या होता है सर्दियों में बढ़ जाता है सर्दियों में आप ज्यादा एक्टिव होते हैं समझ में आ रही बात तो लो टेम्परेचर के ऊपर आपका बेजल मेटाबॉलिज्म क्या होगा इंक्रीज करेगा और हाई टेम्परेचर पे जो आपका बेजल मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस कर जाएगा ठीक है भाई तो ये तो हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल मेकेनिज्म की नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की अब जरा लो टेम्परेचर पे देखो भाई सर्दियों के जो है सुबह है सुबह ही सुबह आप उठे आपको स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है ठीक है अब पता चला भाई गीजर भी अम्मा ने बंद कर दिया था गैस बचाओ रात को बंद कर दिया अब रात भर गीजर भी नहीं चल रहा है सुबह आपको हिम्मत नहीं है छत पे जाके चलाने की अब आपको ठंडे पानी से ही नहाना है और ठंडे पानी से ही मुंह धोना है क्या होगा आप देख लिया तो उस वक्त होता है ना कि पूरी बॉडी डांस कर जाती है ऐसे जो है मसल सारे करते हैं है कप है, है। तो ये, है ये क्यों कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जा सके तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग लो टेम्परेचर टोन ऑफ बॉडी मसल इंक्रीज ड्यूरिंग लो टेम्परेचर मसल्स की जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है क्यों होती है टू प्रोड्यूस मोर हीट सही है भाई हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने की टोन ऑफ बॉडी मसल्स इंक्रीज कर जाती है अब अगला सवाल ये उठता है आपके जहन में भाई ये टोन क्या है ठीक है ये टोन से मुराद हमारी आवाज की टोन नहीं है यहाँ पे टोन से मुराद है कॉन्ट्रेक्शन ठीक है भाई तो यहाँ पे टोन से मुराद क्या है कॉन्ट्रेक्शन और अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर टोन ऑफ बॉडी मसल्स रिड्यूस ये गर्मियों में मसल स्टोन क्या कर जाती है रिड्यूस हो जाती है मसल लेस कॉन्ट्रैक्ट करता है क्यों अगर ज्यादा करेगा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी इसलिए जो है वो टोन मसल्स की क्या कर जाती है रिड्यूस कर जाती है तो बेटा ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल मेकेनिज्म जिसमें हमने जो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी देखी और साथ साथ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी देखी अब आप लोग ये कीजिएगा कि जब ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वाली स्लाइड आ रही है वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लें और जब नॉन शेवरिंग वाली होगी तो वीडियो पॉज करके आप जो है वो नॉन शेवरिंग को कॉपी कर लें बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है जैसे सामने ठीक है।, है उसके बाद जो है फिर हम आते हैं बिहेवियरल मेकेनिजम में तो बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बिहेवियरल मेकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन में होगा क्या बिहेवियरल मेकेनिज्म ऑफ थर्मो रेगुलेशन में होगा ये कि ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर चेंज करता है अब अगला सवाल उठता है कि भाई बिहेवियर क्या है है भाई अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई बताओ बिहेवियर क्या है अभी तो आप लोग मेरे सामने नहीं हो ठीक है लेकिन मैं अगर अपने पास एक्सपीरियंसेस से बताऊं ठीक है पिछले जो है नौ बैचेस पढ़ा चुका हूँ दसवा बैच आपका है तो उन नौ बैचेस में अगर मैं सवाल करता हूँ ना भाई बताओ बिहेवियर क्या है तो मेजोरिटी ये कहते हैं कि सर रवैया कि भाई रवैये को कहते हैं या बर्ताव को कहते हैं तो बेटा मैंने ट्रांसलेट नहीं पूछी है बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका इंग्लिश में मतलब कुछ और होता है और साइंस में मतलब कुछ और निकलता है अगर मैं बायोलॉजी के एतबार से बात करता हूँ तो बायोलॉजी के एतबार से बिहेवियर का मतलब होता है रूटीन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर कि भाई जो है वो एक चिमकादड़ है बैट है वो दिन भर जो है इनएक्टिव रहता है रात में एक्टिव हो जाता है क्यों हो रहा है भाई उसका बिहेवियर है रूटीन एक्टिविटी है हनी भी है वो जाता है फ्लावर के ऊपर वहाँ से जूस निकालता है फ्लावर का जो जूस होता है उसको हम कहते हैं नेक्टर तो भाई वो नेक्टर लेता है उसको हनी में कन्वर्ट कर देता है क्यों कर रहा है उसका बिहेवियर है उसकी रूटीन एक्टिविटी है चोर है चोरी कर रहा है क्यों कर रहा है भाई उसकी रूटीन एक्टिविटी है टीचर है टीचिंग कर रहा है क्यों कर रहा है भाई उसकी रूटीन एक्टिविटी है तो कहने का मकसद है कि बिहेवियर किसको कहते हैं हम रूटीन एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बिहेवियर तो अगर ऑर्गेनिज्म की रूटीन एक्टिविटी में चेंज आ जाए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए तो वो तो बिहेवियरल मैकेनिज्म कहलाएगा अब बताओ भाई क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं कह रहे हैं भाई आप लो टेम्परेचर पे देख लें कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं लो टेम्परेचर पे माइग्रेट कर जाते हैं टूवर्ड्स वार्म प्लेसेस अब देखें ना हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है ठीक है साइबेरिया है इसके अलावा एटलान्टिका है तो बहुत सारे बर्ड्स वहाँ से माइग्रेट करके हमारे यहाँ पाकिस्तान में आते हैं रिवर इंडस्ट पर आपको मिलेंगे और दूसरे साइड पर कोयटा वगैरह के साइड पर आपको मिलते हैं तो ये वार्म प्लेसेस पर आते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें तो ये इनका एक रूटीन एक्टिविटी से चेंज है ये माइग्रेट कर जाते हैं और हम लोग वहाँ पर शिकार कर लेते होंगे तो ये हम लोग तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है ना तो हर दो नंबर काम में आगे होंगे इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो कुछ ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर कुछ एनिमल्स क्या करेंगे टूवर्ड्स कूल प्लेसेस माइग्रेट कर जाते हैं ठीक है बेटा तो ये इनकी बिहेवियर चेंजेस हैं अब जाहिर सी बात है अभी थोड़ी देर पहले हमने फिजियोलॉजिकल मैकेजम में कहा था कि लो टेम्परेचर में बेजल मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है अब भाई बेजल मेटाबॉलिज्म बढ़ गया एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो फिर उसके लिए फूड भी तो ज्यादा चाहिए होगा तो यूजुअली लो टेम्परेचर पर हम देखें तो एनिमल्स जो है डाइट ज्यादा लेते हैं क्योंकि ज्यादा डाइट लेंगे ज्यादा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो उससे जो टेम्परेचर आपका नीचे के साइड जा रहा था वो ऊपर के साइड आ जाएगा क्लियर हो गई बात तो लो टेम्परेचर पे एनिमल जो है वो डाइट ज्यादा लेते हैं तो आप नोट करें कि जब सर्दियां होती हैं तो हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और सर्दियों में हम लोग जो है वो हैवी से हैवी डाइट भी खा लेते हैं हम निहारी भी खा रहे हैं हम पाई भी खा रहे हैं हम जो है वो दूसरी चीज़ें भी खा रहे हैं अब गर्मियों में आजकल कोई पा खा के देखें उसका बुरा हाल हो जाएगा ठीक है यही होता है हाई टेम्परेचर में डाइट हम कम से कम लेते हैं क्यों क्योंकि बेजल मेटाबॉलिज्म कम हुआ हुआ है जब बेजल मेटाबॉलिज्म कम हुआ हुआ है तो उसके लिए फूड भी कम चाहिए अब ऐसे में आपको कोई कहे कि भाई जरा वो पिज़्ज़ा खा लो दो चार अगर कोई जो है वो फूडी टाइप होगा वो तो खा भी लेगा लेकिन अगर हम नॉर्मल हालात में देखें ऐसी गर्मी में तो हम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हम ब्रोस नहीं खा सकते हम जो है वो अपना पाए निहारी नहीं खा सकते क्यों क्योंकि हमारा बेजल मेटाबॉलिज्म क्या होता है लो हुआ हुआ है और अगर हम ह्यूमंस के हवाले से बात करें तो भाई हमारी जो ड्रेसिंग होती है उस पर भी ज़रा काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग जैकेट्स वगैरह पहनना शुरू कर देते हैं हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ठीक है हम डार्क कलर पहनते हैं वार्म क्लॉथ पहनते हैं जबकि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा हमारी कोशिश होती है कि भाई लाइट कपड़े पहने कलर भी उनका कैसा हो लाइट हो तो ये भी हमारा क्या है एक बिहेवियर मेकैनिज़म है इसके अलावा इसी तरह हमारी ड्रिंक्स पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है भाई अगर हम लो टेम्परेचर पे हो तो हमारी कोशिश होती है कि हम कॉफ़ी और टी और सूप्स वगैरह पिएँ और अगर हम हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो हाई टेम्परेचर पे हमारी कोशिश होगी कि हम क्या करें भाई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो ये बेटा हमारे क्या है बिहेवियरल मेकेज़म्स हैं तो बिहेवियरल मेकेज़म्स को आपने बिल्कुल इसी तरह से कॉपी करना है अब बेटा ये एग्ज़ाम के अंदर ना लॉन्ग क्वेश्चन आना है डिस्क्राइब दी थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स अब जब ऐसा क्वेश्चन आया ना डिस्क्राइब दर्मो रेगुलेशन इन मैमल तो बेटा आपने जो है वो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल की हेडिंग डालोगे नंबर वन ये चार्ट आपने ऐसे ही कॉपी कर देना है फिर आप जो है फिजियोलॉजिकल मेकेज शिविंग थर्मोजेनेसिस ये आप कॉपी कर दोगे उसके बाद बिहेवियर मेकेनिज्म और ये चार्ट आप कॉपी कर लेंगे जो बिहेवियर मेकेनिज्म वाला पोर्शन है भाई वीडियो पॉज करके उसको जरा कॉपी कर लीजिएगा ठीक है भाई अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे हेडिंग डाल दो रोल ऑफ ब्रेन एन थर्मोरेगुलेशन भाई अगर हम थर्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है तो हेडिंग आप लोग डालेंगे रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन अब भाई आप स्क्रीन पे देख लें ये आपका ब्रेन है ठीक है भाई हमारा ऐसे ही ब्रेन है ब्लैक एंड वाइट अब ब्रेन का एक पार्ट होता है ये ऊपर लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है ये हाइपोथैलेमस वो पार्ट है हमारी बॉडी का हमारे ब्रेन का जो बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन रखता है अब ये टेम्परेचर को मेनटेन रखता है यही काम थर्मोस्टेट का होता है थर्मोस्टेट क्या होता है जो आपकी स्त्री में लगा हुआ है गीजर में लगा हुआ है ये टेम्परेचर को मेनटेन रखता है माइक्रोवेव ओवन में लगा हुआ है तो हाइपोथैलेमस जो है ना हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है ना इस वजह से हाइपोथैलमस को एक नाम और देते हैं इट इज आल्सो नोन एज थर्मो स्टेट ऑफ द बॉडी ठीक है भाई चलो अब देखो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस आप लोग करते हो ना भाई स्त्री के ऊपर नंबर डले हुए होते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो वन होता है ना वन का मतलब है टेन डिग्री सेल्सियस टू का मतलब है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस सिक्स का मतलब है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अब आपने कपड़े प्रेस करना शुरू किया तो भाई आप जो है ना उसके कर्सर को लेके आ जाते हो सिक्स के ऊपर मतलब आपने टेम्परेचर स्त्री को दे दिया है थर्मोस्टेट को कि भाई सिक्सटी डिग्री सेल्सियस डाल दो तो ये कहलाता है आपका सेट पॉइंट इसी तरह हाइपोथैलेमस में हमारा क्या है सेट पॉइंट है और हमारा सेट पॉइंट क्या है 37 डिग्री सेल्सियस तो जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस का एक सेट पॉइंट होता है और वो क्या है थर्टी डिग्री सेल्सियस अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है टेम्परेचर राइजेस अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ब्रेन को क्या करना है ब्रेन को टेम्परेचर मजीद बढ़ाना होगा या कम करना होगा तो कॉमन सेंस ये कहता है भाई टेम्परेचर थर्टी सेवन था थर्टी एट हो गया तो अब ब्रेन को काम ऐसा करना है कि थर्टी एट से क्या हो जाए थर्टी सेवन हो जाए ऐसा काम नहीं करना है कि थर्टी एट से थर्टी नाइन हो जाए अब ब्रेन क्या करे अभी तुमने पड़ा थर्मो रेगुलेशन के अंदर कि भाई जो है अगर हाई टेम्परेचर हो तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है हाई टेम्परेचर के अंदर जो है ये सारी चीजें होती हैं जो आपको नजर आ रहा है कि भाई जब ब्रेन देखेगा टेम्परेचर हो गया थर्टी डिग्री सेल्सियस तो ब्रेन क्या करेगा ब्रेन जो है पायलोरेक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन करा देगा ब्रेन जो है सबकुटेनियस ब्लड वेसल्स की वेजो डायलेशन करा देगा फैट को रिमूव कराएगा यूरिन आउटपुट जो है वो कम कर देगा बेसल मेटाबॉलिज्म को कम कर देगा इसके अलावा मसल की टोन को क्या करेगा कम कर देगा ठीक है और इस तरह से टेम्परेचर आपका थर्टी एट से दोबारा कहाँ आ जाएगा थर्टी सेवन पे आ जाएगा और अगर उल्टा कर लो तो भाई टेम्परेचर जो है कम हो गया और जब टेम्परेचर कम हो जाएगा 37 से 36 हो गया अब क्या करना है मजीद कम कर देना है भाई एक कॉमन सेंस क्या कहता है 36 हो गया तो बढ़ाना होगा और बढ़ा के कितना करना है 37 तो जब लो टेम्परेचर पे होगा तो ये वाली सारे काम करवाएगा क्या काम कराएगा पायलो इलेक्ट्रो मसल की कॉन्ट्रेक्शन कराएगा सब कुटेनियस वेसल की वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा सब कुटेनियस फैट एक्मलेन करवाएगा यूरिन आउटपुट ज़्यादा कर देगा बेजल मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा मसल टोन बढ़ा देगा बात तो ब्रेन इस तरह से आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है कि जैसे 37 से जो है वो टेम्परेचर 38 हुआ तो ये हीट को लॉस करवाने के मैकेनिज्म स्टार्ट करवाएगा और टेम्परेचर 37 से 36 हो गया कम हो गया तो ये हीट को स्टोर करने के मेकेनिज्म करवाएगा ठीक है भाई चले तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपका हो गया होगा क्लियर अब फटाफट जरा इसके पॉइंट्स लिख लें ये एग्जाम में दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है जब ये वो आपसे कहते हैं कि बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मो रेगुलेशन ये दो नंबर में आता है चार पॉइंट लिखने होंगे तो जरा लिख लो भाई इसको मैं लिखवा रहा हूं लिखे देशर ऑफ बॉडी

hypothalamus is set to a hypothalamus is set to a particular temperature hypothalamus is set to a particular temperature called as set point called as set point in humans this set point is 37 degrees Celsius. In human, this set point is 37 degrees Celsius. point point Any increase or decrease in temperature, any increase or decrease in temperature of the body stimulate hypothalamus any increase or decrease in temperature of body stimulate hypothalamus to initiate heat loss or heat conserve mechanism respectively any increase or decrease in temperature of body stimulate hypothalamus to initiate heat loss और हीट कंजर्व मेकेनिजम रिस्पेक्टिवली हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी हाइपोथैलेमस इज आल्सो नोन एज थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी ठीक है भाई ये हो गए आपके चार पॉइंट्स और आज की क्लास का और इस चैप्टर की जोलॉजी का लास्ट टॉपिक है और वो है फीवर तो बेटा हेडिंग डाल लें फीवर की नाम तो आपने बहुत सुना होगा कि भाई फीवर हो गया बुखार हो गया अब ये फीवर और बुखार होता क्या है भाई अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे अब देखो हमारा जो नॉर्मल सेट पॉइंट था वो क्या है थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अगर बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है वो कहलाता है फीवर तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अबब द नॉर्मल सेट पॉइंट इज कॉल्ड एज फीवर या मेडिकल साइंसिस में इसको कहते हैं ठीक है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो टेम्परेचर अब नॉर्मल सेट पॉइंट इज कॉल्ड एज फीवर और पायरेक्या और नॉर्मल जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 36 सिक्स से थर्टी के दरमियान होता है एवरेज निकालें तो 37 हो जाएगा अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो हम कहेंगे कि भाई फीवर हो गया अब कह रहे हैं फीवर की होती हैं दो टाइप एक होता है इन्फेक्शियस और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस भाई इन्फेक्शियस तो वो होगा जो इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है कि बैक्टीरिया आया कोई वायरस आया फीवर हो गया दूसरा होता है जो बगैर किसी इन्फेक्शन के हो जाता है मिसाल के तौर पर आप जरा धूप में खड़े हो जाए पंद्रह मिनट टेम्परेचर बढ़ जाएगा ऐसी गर्मी में जो है जरा किचन में खड़ो के रोटी बना लें धूप गर्मी बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये भी फीवर है थर्टी सेवन से ज्यादा हो गया फीवर है लेकिन क्या किसी इन्फेक्शन से हुआ नहीं तो ये क्या कहलाएगा नॉन इन्फेक्श अब कह रहे हैं कि भाई अगर इन्फेक्शन होता है ना तो ये फीवर कैसे हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल होते हैं कुछ डब्ल्यू बी सी होते हैं जो कहलाते हैं मैक्रोफेजेस ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं एक केमिकल रिलीज करते हैं एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड एज पायरोजिन ये पायरोजिन जाएंगे हाइपोथैलेमस पे और उसका सेट पॉइंट बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से फीवर होता है और ये फीवर हमारे जितने भी बैक्टीरिया हैं या जो भी वायरस है उनकी ग्रोथ को कम कर देता है तो कहा जाता है ना भाई पैराडोल ले लो कैलपोल ले लो ये सारी चीज़ें ली जाती है ना वोरिन ले लो फीवर उतर जाएगा तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं ये जाके इन्हीं पायरोजिन की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती हैं तो फीवर जो है आपको उतर जाता है लेकिन फीवर आने की वजह क्या है फीवर आने की वजह इन्फेक्शन है जब तक के इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करोगे फीवर आता रहेगा क्लियर हो गई बात तो भाई फीवर तो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हो गया इससे तो बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं लेकिन हमें तो फीवर होता है तो हम छुट्टी कर लेते हैं अक्सर क्लास में होता है ना भाई क्यों नहीं आए थे कल सर बुखार था तो याद रखिएगा फीवर इज प्रोटेक्टिव मेकेजम लेकिन कब तक जब तक एक लिमिट है लिमिट से ज्यादा फीवर हो ना टेम्परेचर बढ़ा वो एंजाइम को डी नेचर कर देगा एंजाइम टूट जाएंगे वो अनजाइम टूट गए तो तुम भी टूट जाओगे तुम भी निकल जाओगे इस दुनिया से यही बात आखिर में लिखी हुई है कि भाई जो स्लाइड फीवर होता है ना वो यूजफुल होता है और जो हाई ग्रेड फीवर है वो डिस्ट्रक्टिव है बॉडी के लिए अब स्लाइड फीवर क्या होगा वन जीरो टू डिग्री फेरन हाइट तक जो फीवर है ना वो कहलाता है लो ग्रेड और लो ग्रेड फीवर होता है बहुत बेनिफिशियल समझ तो में आगे बात तो अक्सर मैं बच्चों को कहता था ना भाई छुट्टी जो कर रहा है और पूछा क्यों की तो कहा भाई सर वो बुखार हो गया था तो मैं पूछता था कितना था उन्होंने कहा सर वो सौ था तो 102 तक अगर बुखार है तो उस पर कोई छुट्टी नहीं बनती वो लो ग्रेड फीवर है फायदेमंद है आपके लिए हाँ अगर छुट्टी करनी है तो फिर बोलो कि सर एक सौ दो सौ ऊपर था एक सौ चार था या एक सौ पाँच था तो फिर छुट्टी बनती है समझ में आगे बात तो स्लाइड फीवर इज यूजफुल वाइल द हाई ग्रेड फीवर इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द बॉडी तो बेटा फीवर के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए तो आप वीडियो पॉज करके ज़रा ये भी पॉइंट्स कॉपी कर लीजिएगा अपने पास ताकि जो हमारा कल का लेक्चर हो वो स्टार्ट होने से पहले आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों और इन जो कल का लेक्चर होगा उस कल के लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर की बॉटनी तो आज हमने इस चैप्टर की जोलॉजी एंड कर ली है ठीक है बेटा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी अगर इसमें कोई मसला है तो फिर जब हम कल अगर बारिशें वगैरह नहीं हुई तो लाइव लेक्चर लेंगे तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं तो इन जिंदगी रही तो कल दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ आप सब अपना ख्याल रखिएगा कल दोबारा मिलेंगे